नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, टाइटल बनाने का यह पार्ट 4 वीडियो है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सभी के सभी क्लिप को एक सीक्वेंस पर रखना सिखा दिया था और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लिप और इफेक्ट को एक नए सीक्वेंस पर क्रमवार व्यवस्थित कैसे रखते हैं और उसमें टाइटल कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे क्विक टाइटलर का उपयोग करके हिंदी में टाइपिंग कैसे करते हैं, नया टेक्स्ट का एक नया क्लिप कैसे बनाते हैं और उसे टेक्स्ट ट्रैक पर कैसे रखते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किसी फोटोग्राफर का ऐड कैसे बनाते हैं क्विक टाइटलर की मदद से ईडीएस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेंशन मत लीजिए, हमने भी सीखा है, अब बहुत अच्छे से सीखा है। अगर जो आपको सीखना होगा तो इसी चैनल को क्लिक करके और प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पे टाइपिंग का एक प्ले लिस्ट है, वहां से आप बहुत अच्छे से इंग्लिश हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। हिंदी में दो तरह का, मंगल फंड कैसे टाइप करते हैं और कृति देव की टाइपिंग कैसे करते हैं। तो फिलहाल हमने टाइप कर दिया, आप देख रहे हैं हाई क्वालिटी वीडियो और इसे हम क्लोज कर दे रहे हैं और यस, जैसे यस करेंगे देखें यहाँ पर सेव होकर आ चुका है। अब इसको आपको मूव कर लेना है और यहाँ लाकर रख देना है और इसे प्ले करना है, देख रहे हैं। तो अब जब प्ले कर रहे हैं यहाँ पे तो ये टेक्स्ट तो बाद में दिख रहा है और आपने देखा था कि ये पहले था, तो इसे थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ कर देते हैं और टेक्स्ट को इधर कर दे रहे हैं। अब देखिएगा प्ले कर रहे हैं, देखिए गायब हो गया। एक बार और आपको दिखाते हैं कि जैसे वो हटेगा वैसे ये दूसरा वाला आ जाएगा, देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हाई क्वालिटी वीडियो। और थोड़ा सा इसे और आगे की तरफ हम फैला देते हैं, मतलब स्ट्रेच करा देते हैं। अब वापस चलते हैं अपने टाइटल पर और देखते हैं आगे का हमारा प्रोग्राम क्या है। टेक्स्ट तो हमने टाइप कर दिया दोस्तों, अभी आपको दिखाया था, और यहाँ पर प्ले करके देख लेते हैं इसमें क्या वाइब्स है। तो हमने प्ले कर दिया, देखें ये कैमरा वाला, तो हमने इसे दिखाया था दोस्तों। तो फिलहाल इसके नीचे एक ऑडियो है, हम ऑडियो को कॉपी कर लेना है क्योंकि ऑडियो बहुत ही पसंद है इसका, और हम वापस आके अपने वाले टाइटल ट्रैक पर इसे पेस्ट कर ले रहे हैं। तो ऑडियो तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रही है, फिर भी मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ और उस ऑडियो को मैं यहाँ पर 2A को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये देखें 1BA पर पेस्ट हो गया, तो इसे मैं मूव कर दे रहा हूँ। मूव करने के बाद सिक्वेंस 1 में जाऊंगा, और दोस्तों मैंने दिखाया था आपको कॉपी करके कि कैसे कॉपी करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, देखें ये क्लिप आ रहा है और इसकी ऑडियो भी बहुत खतरनाक आ रही है, तो इसे बंद कर देना ऑडियो को ऑल्ट ए करके, और इसे कंट्रोल सी करके हम अपने टाइटल सीक्वेंस पर चले जा रहे हैं। और सीक्वेंस पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको 3B को सिलेक्ट रखना है, क्यों? क्योंकि इसी पर तो हमको पेस्ट करना है, तो हमने कंट्रोल भी कर दिया। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं, देखें बंद हो गया और वो गायब हो गया। अब जैसे खुलेगा तो वहां पर आएगा गणेश वंदना, तो उसे गणेश वंदना के साथ ही लाते हैं, तो यहाँ से फिलहाल इसे हम हटा दे रहे हैं और इसे गणेश वंदना के साथ ही कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी और न्यू फाइनल पर आकर 1BA सिलेक्ट करके हमने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसे आगे की तरफ करने के बाद, अब प्ले करके देखते हैं, ये बंद और ये गणेश वंदना शुरू। थोड़ा सा इसको और आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और पुनः इसे चेक कर लेते हैं, और ये बंद और ये जैसे खुलेगा गणेश वंदना शुरू हो जाएगा। हाँ, आपको ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो मैंने ऑडियो को म्यूट करके रखा है, जब मैं प्रोजेक्ट बना लूंगा तो ऑडियो आएगा और जब आप भी वर्क करेंगे तो ऐसे ही ऑडियो सुनाई देगा। चलिए थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा के देख लेते हैं, और ये गणेश वंदना खत्म और ये क्लोज हो गया। पुनः वापस चलते हैं, देखते हैं अब क्या है। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने बताया था आपको कि क्लिप को आपको कॉपी करके रखना और समझ के रखना है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे क्लिप सभी के सभी नजर आ रहे हैं, तो अब इन क्लिप को कॉपी कर लेना है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था इन क्लिप को आपको सेलेक्ट करके रखना है पहले से और कॉपी करके रखना है एक नए फोल्डर में। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी कर लिया और न्यू टाइटल फाइनल में आकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो चलिए इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया तो देखें यहाँ पर ऑडियो आ चुकी है, तो देखें यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, अब ये बंद हुआ और यहाँ से शुरू होगा, तो इसके साथ ही शुरू होगा, देख रहे हैं। अब इस पर आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करने हैं, तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले उस वीडियो को प्ले कीजिए जिस वीडियो में ये सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो उसके लिए आपको उस फोल्डर में जाना होगा और उस वीडियो को प्ले कर देना है। चलिए इसे हमने डबल क्लिक करके प्ले कर दिया, डबल क्लिक में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, स्टार्ट को हम क्लिक करके VLC मीडिया प्लेयर ओपन कर लेंगे
और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं और गणेश वंदना आ रहा है। और यहाँ पर गणेश वंदना जैसे ही खत्म हो रहा है, देखें दोस्तों सबसे पहले टेक्स्ट नजर आ रहा है हमारे सामने कि एक बंधन जो आसमान में तय होता है इसे रोक दे रहे हैं और चाहते हैं कि यह डिस्प्ले हमेशा स्क्रीन पर है, तो वीडियो में जाकर यहाँ ऑलवेज ऑन टॉप कर दीजिए और इसे मिनिमाइज करके इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद दोस्तों आप वापस आइए पीछे, और पीछे आने के बाद से यहाँ पर आपको टेक्स्ट टाइप करना है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें और भी याद रखनी है कि वो जो टेक्स्ट होना चाहिए टी पर होना चाहिए, मतलब टाइटल वाले ट्रैक पर होना चाहिए। तो टाइटल ट्रैक पर लाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने कर्सर को यहाँ पर आपको अंत में रखना है, और अंत में रखने के बाद से देखें यहाँ पे टी नजर आ रहा है और यहाँ पर जाकर क्विक टाइटलर को क्लिक कर देना है। जैसे क्विक टाइटलर को आप क्लिक करते हैं तो ये क्विक टाइटलर खुलकर आ गया। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपको हिंदी में टाइप करना है लेकिन ये तो इंग्लिश में टाइप हो रहा है, तो पुनः इसे कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से आप आके कुर्ति देश 710 सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया और कुर्ति देव 710 आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिस्प्ले होने लगा और इसका नाम हमने रख दिया मान लेते हैं पवन। अब दोस्तों ये क्या बार बार करना पड़ेगा? तो जी हाँ, ये बार बार प्रक्रिया आपको दोहरानी पड़ेगी। तो अगर जो इससे आप बचना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये सिलेक्ट तो नहीं है ना। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको प्रीव्यू पहले से टेक्स्ट का, इसमें राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कर रहे हैं तो देखें यहाँ पे सेव एज न्यू स्टाइल, अप्लाई स्टाइल, चेंज स्टाइल नेम और डिलीट स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है लेकिन हाईलाइट नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है इसे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट रखेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सेव एज न्यू स्टाइल, इसे क्लिक कर देंगे और इसका नाम दे देंगे। तो हमने नाम दिया इसका रेड हिंदी कृति 710 और एंटर। देखें यहाँ पर ये बनकर आ गया। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा और यस कर दूंगा। देखें ये बनकर आ गया और इसे मैं ड्रैग करूंगा अपने 1T पर और यहाँ लाके छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना। अब पहले ही आ जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ रखना है। आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे क्विक टाइटल में खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट टाइप करना है, तो कौन सा टेक्स्ट टाइप करना है भाई? तो सबसे पहले मैं इसे छोटा कर दूं, और छोटा करने के बाद अब मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के बारे में एक बंधन जो आसमान में तय होता है, तो टाइप कीजिए एक बंधन जो आसमान में तय होता है। चलिए इसे थोड़ा सा और छोटा करके देखते हैं कि क्या हमने सही टाइप किया है। वाव, पहली बार हमने पूरा का पूरा हिंदी में सही टाइप कर दिया बिना बैक किए हुए। अगर जो आप भी ऐसा सीखना चाहते हैं तो हमने बताया है दोस्तों कि हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने वहां पर हिंदी टाइपिंग सीखने का बहुत ही अच्छे से तरीका बताया, आप आसानी से वहां जाकर हिंदी में टाइपिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखे डिस्प्ले हो रहा है एक बंधन जो आसमान में तय होता है, इसे क्लोज कर देंगे और यस कर देंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पे वही वाला टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है एक बंधन जो आसमान में तय होता है, और यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम स्ट्रेच करा देंगे और इसे छोड़ देंगे। हाँ दोस्तों, कई लोग करते हैं किसी की प्रतिलिपि बना के यहाँ रख देते हैं और उसी में टेक्स्ट को एडिट कर देते हैं, तो ध्यान रहे ईडीएस के क्विक टाइटलर में ऐसा आप करते हैं तो पहला वाला जो टेक्स्ट रहेगा वो गायब हो जाएगा, दूसरा वाला दोनों जगह पेस्ट हो जाएगा। तो ये होशियारी इसमें बिल्कुल मत कीजिएगा, तो इसके लिए हर बार एक नया ही टेक्स्ट लीजिएगा। तो पुनः हम गए टी और यहाँ पे क्विक टाइटलर को क्लिक कर दिया, और यहाँ पर पहले ही देखें रेड हिंदी कृति 710 सेलेक्ट है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी टाइप करेंगे हिंदी में ही टाइप होगा। जब टेक्स्ट मोड में हो तो कंट्रोल ए कीजिएगा। अब सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे आ रहा एक रिश्ता जो धरती पर जोड़ा जाता है, तो चलिए टेक्स्ट में आ गए एक रिश्ता जो धरती पर जोड़ा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब मैं जोड़ा टाइप कर रहा हूँ तो देखिए थोड़ा सा स्पेस आगे बढ़ जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ
एक रिश्ता थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया हुआ है दोस्तों, काफी ज्यादा प्रशंसा हो गई थी इसलिए थोड़ी गलती करनी जरूरी थी। एक रिश्ता जो धरती पर जोड़ा जाता है, देखिए यहाँ पे काफी स्पेस नजर आ रहा होगा आपको, जोड़ा जाता है, मैं आपको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ इसको, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि हाँ सच में जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है, जोड़ा जाता है। और इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं और इसे कर देता हूं मैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद से यहां धरती वाले ऑप्शन के पास मैं ला के इसे थोड़ा सा फैला दे रहा हूं। अब मैं इसे प्ले करके दिखाऊं दोस्तों, तो देखेंगे थोड़ा बड़ा मैं कर दूं तो एक रिश्ता जो धरती पर जोड़ा जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस नजर आ रहा है, और हम चाहते स्पेस न आए, तो 710 में आप ऐसा करते हैं तो स्पेस आ जाएगा भाई, आएगा मतलब आएगा। तो उससे बचने के लिए दोस्तों मैं एक तरकीब बता रहा हूँ आपको, आइडिया जो कि मैं खुद भुक्त भोगी हूँ, इसमें बहुत सारा एरर आता है, अच्छे लोग होंगे तो आकर आपको डांटना शुरू कर देंगे कि आपने क्या टाइप किया, आपको टाइपिंग आती ही नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों जब आपका टेक्स्ट पूरी तरह कम्प्लीट हो जाए तो इसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी और वी कॉपी कर लिया हमने देखा, और कॉपी करने के बाद से आपको सिंपली शिफ्ट और प्लस बटन प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक एक डॉट यहाँ पे बनकर आ जाएगा जो नीचे की तरफ होता है, और यहाँ पर लाकर रख देंगे, देख रहे हैं, और इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब देखिए हम प्ले करके आपको दिखाते हैं, तो देखें कितना शानदार दिख रहा है, एक रिश्ता जो धरती पर जोड़ा जाता है, पता ही नहीं लगेगा कि अलग से रखा गया। तो यही चीज हम आपको बार बार बता रहे थे कि इसमें सीखते हैं तो ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाती है। अब आगे की तरफ थोड़ा हम बढ़ते हैं और इसे प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जिसे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसे हम कहते हैं, तो जिसे हम कहते हैं के लिए फिर से आपको वही इंड में जाना होगा, और इंड में जाने के बाद आपको टी पर क्लिक, ये क्लिक करना पड़ रहा है, इसका शॉर्टकट भी हम बना सकते हैं दोस्तों। क्या आपको पता है कि बार बार आपको इस पे क्लिक न करना पड़े, या फिर आप बार बार क्लिक करते हैं तो आप बहुत टाइम लॉस करते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि टाइटल को शॉर्टकट से कैसे खोलें। तो फिलहाल क्विक टाइटलर को क्लिक करेंगे, और हमें हिंदी में टाइप करना है जिसे हम कहते हैं, तो हमने टाइप किया जिसे हम कहते हैं, और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद से इसे हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद इसे हम लाकर यहाँ पर रख देंगे। अब ऐसे ही रखते जाएंगे, इसको अभी हम सेट करेंगे, अब फिर से इसे प्ले करते हैं। शुभ विवाह, देख रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे हम जाएंगे और टी को क्लिक करेंगे क्विक टाइटलर, और टाइप करेंगे शुभ विवाह, तो शुभ विवाह टाइप हो गया, और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अब इसे हम क्लोज कर देंगे, यस, और इसे लाके शुभ विवाह के पास रख देंगे, और इसे हमने बड़ा कर दिया। अब थोड़ा सा और प्ले करके देखते हैं वीडियो में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हैप्पी वेडिंग, तो देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला बैकग्राउंड जो अभी हमने आपको बताया था, कैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है, ध्यान रखना है कि आपके ही डी ड्राइव में है ये सब कुछ, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे टाइटल में जाना है और क्विक टाइटल को क्लिक कर देना है, और इस तरह का स्टाइल पहले से मौजूद है इसमें, तो देखते हैं उस तरह से मिलता जुलता कौन सा स्टाइल आ रहा है, जैसे ये वाला है, हमने इसे क्लिक कर दिया और टाइप किया हैप्पी और एंटर किया WEDDING हैप्पी वेडिंग, और इसे हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद इसे हम एडजस्ट कर ले रहे हैं, और इसे हम कर दे रहे हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद एस, और एस करने के बाद इसे ला के यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। अब थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं, हाँ आ रहा है, तो आप इसे पुनः इसे डबल क्लिक कीजिए, और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यह बैकग्राउंड वाला ही दिखाई देगा जो कि अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इसकी मदद से आप आसानी से इसे सेट कर सकते हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया। अब इसे व्यवस्थित यहाँ रखिए, और जैसे चाहे इसे वैसे यहाँ पर व्यवस्थित सेट कर लीजिए, देख रहे हैं अब यह बराबर दिखाई देगा, और इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद से अब एक बार फिर से अपने वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया था अमिताभ बच्चन का वो जो डायलॉग है बागवान फिल्म का, यहाँ पर है, ये पहले से हमारे पास देखिए यहाँ पे क्लिप है,
तो इसमें सिर्फ वो ऑडियो ला के जोड़ देना है, तो ऑडियो को हम ला के जोड़ देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑडियो लाने के बाद देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक वीडियोग्राफर का नाम आ रहा है। तो वीडियोग्राफर का नाम लाने के लिए आपको फोटोशॉप में डिजाइन करना होगा, और फोटोशॉप में डिजाइन करने के लिए हमने पहले से वीडियो बना के रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। बंद हो गया और यहाँ पे वीडियोग्राफर का नाम आ रहा है। तो वीडियोग्राफर का नाम बनाना है दोस्तों बहुत ही आसान है, यह 1920x1080 में फोटोशॉप में आपको बना लेना है। और अगर जो फोटोशॉप में नहीं बनाना आता है तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर साइड में आ जाए और यहाँ पे टी को क्लिक कर दें और क्विक टाइटलर में ला दें, और क्विक टाइटलर में लाने के बाद से आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे कि हमको अंग्रेजी में टाइप करना है पवन कंप्यूटर, और इसे मैं बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ शिफ्ट के साथ यहाँ पे बड़ा कर दीजिए, कॉर्नर से कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर हमने लगा दिया एंड का सिंबल और इसे छोटा कर दिया और यहाँ पे सेंटर में रख दिया। और पुनः इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी भी कर लिया, नीचे लाग दिया। अब इसे टेक्स्ट में एडिट करके डिजिटल वीडियो मिक्सिंग। दोस्तों वीडियो को यहीं ब्रेक करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब जो भी इसके हिस्से बचते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।